आपको बहुत सारे भाई जानते होंगे, मैं भी आपका भाई बंदे बड़ीला गाँव है, अनंत बड़ीला, आपकी सेवा में हमेशा रहता हूँ। मेरे को 10 साल पहले गुरुजी मिले थे, अचानक स्थान पाया था, ये मन गठन कहानी दिखा रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे को उस टाइम 2013 के अंदर रात का बढ़ाई थी हमने, तो मैं प्रचार करता घूम रहा था रैली के लिए, तो भूख लग रही थी, तो मैं बाबा से फिगर आशीर्वाद लिया और बाबा मुट्ठी भर के काजू लाया, काजू बदली और बाबा उसी तरह धन्य। अरे भाई, अरे भाई बैठ बैठ जाओ यार, मैं चलना जानता हूँ। अरे तू खाकी है, खाकी बटी है जानो, ये एग्रीकल्चर कॉलेज की कह रहे हैं, क्या है एग्रीकल्चर कॉलेज खुलवा दे, ये तो बाबा हाई नहीं कर रही, ए महाराज देखिए सबसे मिलेंगे पहले, उसके बाद अपने सब जो भी सभी का भाषण करवाएंगे। देखिए 31 बोरी शक्कर की प्रतिराज मीना, हमारे हमारी विधायक साहब श्रीमती इंदिरा मीना जी भी आपके बीच में पधार चुके हैं, हमारे विधायक साहब श्रीमती इंदिरा मीना जी भी अभी आप सबके बीच में आशीर्वाद लेने पधार चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूँ विधायक साहब ने कहा अभी हम माइक संभाले, सर्वप्रथम गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं कमेटी के लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे बीच में विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री माननीय सचिव आयोग जी बना रहे हैं, और कमेटी की तरफ से और गांव वालों की तरफ से और आम जनता की तरफ से सभी भक्तों की तरफ से उनका हित में स्वागत और सम्मान करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कमेटी के लोगों के द्वारा स्वागत और सम्मान किया जाएगा। माननीय पायल साहब थोड़ा पधारे हैं, बैठ जाओ,
हमारे बीच में इंसान है, पहुंचे हैं उनका दूसरी कमेटी की तरफ से स्वागत और सम्मान। सोलन के साथ ही पूरे विधायक वो भी हमारे बीच में पहुंचे, राम नारायण जी भी हमारे बीच में विराजमान है, वो कई बार विधायक बन चुके हैं। माननीय सचिन पायलट जी का स्वागत और सम्मान, युवा सरपंच साहब हनुमान जी, रामनारायण जी का मंदिर सभी के सम्राट हमारे सचिन पायलट जी आप सबके बीच में पहुंचे हैं गुरु महाराज के दर्शन करने। और मैं कहना चाहूंगी पिछली बार यहाँ की 16वां निमार दिवस समारोह है और हर साल लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। पिछली बार हमने सरकार से मांग की थी कि ये गौशाला होनी चाहिए, तो आप जिस जमीन पर खड़े हैं वो गौशाला के नाम अलर्ट हो गई है और जल्द ही ये गौशाला बनने वाली है यहाँ पर। और आवासीय इदारे जो एक मॉडल आवासीय इदारे हमारे गुरु परम गुरु महाराज के नाम से स्वीकार हो चुका है और उसका पैसा भी आ चुका है। सभी भक्तों के लिए बड़े खुशी की बात है कि जो सरकार ने हमने सरकार से जो मांग की थी वो पूरी हो गई है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी पिछली बार आप भक्तों को बताना चाहूंगी कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई। मैं निवेदन करना चाहूंगी, यहाँ पे हमारे बीच में जसकौर जी भी विराजमान है, मैं कहना चाहूंगी की योजनाओं का नाम बदल दीजिए, परियोजना चालू रख दियो। ये मैं आप लोगों के माध्यम से जसकौर जी को कहना चाहूंगी, जसकौर जी हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री बदलवाने पर और प्रधानमंत्री मोदी जी पर पता है, क्योंकि गरीबों का नुकसान नहीं होना चाहिए, गाँव के किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगी देखिए युवाओं से जगह सबसे निवेदन है, रुको भाई आप बिल्कुल अपने सब जिंदाबाद करेंगे। अब मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान घनश्याम जी दयाल साहब से कि अपना कम समय में वो भाषण दे उद्बोधन दे। शिवानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद जी जो महान संत है हमारे इस भूमि को प्रणाम करता हूँ, नित्यानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और सभी सचिन पायलट साहब का इस धरती पर आने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों ये धार्मिक नगरी भेड़ोली का जो आश्रम ये बहुत गौरवशाली स्थान है। मैं पायलट साहब आपसे निवेदन करूंगा आप यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। मैं अब पायलट साहब से निवेदन करूंगा कि आपके श्री मुख से बहुत बहुत जनता को लाभान्वित करें। विधायक इंद्रा मीणा जी, हमारे विधायक घनश्याम मेहर साहब, हमारी सांसद महोदया स्कौर मीणा जी, रामनारायण मीणा साहब, वेद सोलंकी जी, आदरणीय महाराज के आज हम सब ने दर्शन किए और इस अवसर पर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो, ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ की धरती यहाँ की जमीन आपकी आस्था और विश्वास कितना कायम है। मुझे यहाँ पर पहले भी आने का मौका मिला और आज मैं आ रहा था जयपुर से, लेकिन मुझे आने बहुत देर हुई, बहुत से साथी हमारे वापस चले गए, रास्ते में कई जगह मुझे रुकना पड़ा, लेकिन सच में आज यहाँ पर आकर आप सब लोगों से मिलकर दिल में बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। सोलहवीं बार इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, यहाँ पर
मुझे पहले भी आने का मौका मिला, आज दोबारा आया हूँ। और जो हमारे संत पुरुष हैं देश में समाज में, जिन लोगों ने अपने त्याग तपस्या से लोगों में अच्छी भावना फैलाने का काम किया है, हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय हम सबके लिए कल्याणकारी हो और ये जो भाईचारा है, ये जो प्यार प्रेम मोहब्बत सद्भावना त्याग समर्पण एक दूसरे के प्रति लगाव, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। सभी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि ये जो संस्कार हमारे इस धरती में, इस मिट्टी में, इस प्रदेश में, हमारे परिवार में, हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार हमको दिए हैं, उस रास्ते पर हमको चलना है। समाज बदलता है, समय बदलता है, लेकिन जो हमारी मूल भावना है एक दूसरे को मदद करने की, मान सम्मान करने की, परिवार में भाईचारा पैदा करने की, संत महात्माओं के त्याग को समर्पण कर कर उनकी सेवा करने की, इन भावनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। और आप सब जानते हो इस क्षेत्र से, इस पूरे छत्तीस कौम के आप सब लोगों ने हमें हमेशा से आशीर्वाद दिया है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आपके हर काम में, हर मांग में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हम खड़े रहेंगे। आज तो सिर्फ महाराज हमारे आज तो महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ पर मंदिर में ढोक देने के लिए आपसे मिलने के लिए हम यहाँ पर आए थे। ये मंच सिर्फ एक सामाजिक मंच है, इस पर राजनीतिक बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन इतना मैं जरूर आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि समय कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, राजनीति में उतार आए चढ़ाव आए, हमारा आपका रिश्ता अटूट था, अटूट है और अटूट रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ जिस ऊर्जा के साथ हमने अपने संबंध को कायम किया है, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है, सारा कुछ मैं करूँ और आप कुछ नहीं करो तो फायदा नहीं, और आप ही देते रहो और मैं कुछ नहीं करूँ उसका भी कोई फायदा नहीं। आपसी संबंध प्रेम और भाईचारा बनाने से बनते हैं, रिश्ते बनाने से कायम होते हैं। और सुनो, रिश्ते बनाना आसान है, रिश्ते निभाना मुश्किल है, इसलिए मैं हमेशा आपका रिश्ता निभाता रहूंगा, इस बात का आपको वादा करके जाता हूं। और आज मैं भी गाड़ी में बात कर रहा था।